हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हमारे गेम का नाम है किंगडम गार्ड। जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, हमें हमारे किंगडम को सेव करना है एनिमीज से। तो चलो करते हैं। यहाँ पर ये देखिए सारे गार्ड्स हैं हमारे, ये गार्ड्स आने वाले एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि हम जीत सकें। तो चलिए खेलते हैं। अब यहाँ पर हमारे को कॉइन्स मिलते हैं बहुत सारे, जिससे हम गार्ड क्रिएट कर सकते हैं। देन उनको मर्ज करना है आपस में। मर्ज करने से इनकी पावर बढ़ जाती है, जिससे हम एनिमी को डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम हमारे रिवार्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इधर राइट साइड में नीचे 10 लिखा हुआ आ रहा है, तो उस पर क्लिक करते हैं। अब ये सारे हमें रिवार्ड्स मिले हैं, तो इनको क्लेम करते हैं। हम सबसे पहले सारे रिवार्ड्स क्लेम कर लेंगे, जिससे हमारे गार्ड्स की पावर बढ़ जाएगी। चलिए ये हो गया, डेली वाले में चलते हैं। यहाँ से पावर, ये सारे रिवार्ड्स क्लेम कर लिए हमने। देन डेली वाले में अभी बचे हैं हमारे, अच्छा ये हमने ट्रेजर बॉक्स ओपन कर लिए। चलिए वापस चलते हैं। अब वापस राइट में देखेंगे, हम एक मैप दिख रहा है, इस मैप में भी कुछ रिवार्ड्स हैं, वो क्लेम कर लेते हैं। कर लिए हमने। ये एक पज़ल है, इसको भी लाइट अप कर देते हैं। इसको भी लाइट अप कर दिया हमने। देन अभी यहाँ पर एक पज़ल और सॉल्व करनी है, ये एनिमी का ट्रूप है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो चलो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारे हीरो को हमें भेजना पड़ेगा। तो डिपार्ट कर देते हैं हमारे हीरो को, ये काम हो गया। फिर वापस हमें मिलना क्लेम, ये क्लेम हमने कलेक्ट कर लिया। और चलो अब हम चलते हैं। तो ये सारे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारे गार्ड्स हैं जिनको हमने अपनी अपनी पोजीशन पर सेट कर दिया। अब ये सारे एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे ऑटोमेटिक। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ गार्ड को पावरफुल बना के इनको उनकी जगह पर प्लेस करना है। बाकी गार्ड्स अपने आप अटैक करके सेव करेंगे। अगर हमारे गार्ड्स की पावर कम होगी तो एनिमीज़ की पावर ज़्यादा होगी, तो हम डिफ़ीट करेंगे। चलो अब एक देखना, आप लेफ्ट साइड में नीचे आपको मिडिल में दो एरो साइन दिख रहे हैं आमने सामने, उस पर क्लिक करते हैं। ये एरो साइन होता है ऑटो मर्ज का, यानी अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये जो मर्जिंग होगी गार्ड्स की वो ऑटोमेटिक होगी। हमें सिर्फ इनको प्लेस करना है, और प्लेस करेंगे या ट्रेन करना है वो हम करेंगे ये कॉइन वाले बटन से, जो स्क्रीन के सबसे नीचे येलो येलो कलर का दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। गार्ड्स मिलते रहेंगे हमें, गार्ड्स ट्रेन होते रहेंगे। और क्योंकि हमने ऑटो मर्जिंग ऑन कर रखी है, ऑटो मर्जिंग वाली एक्टिविटी को इनेबल किया हुआ है, तो ये अपने आप मर्ज होंगे। और जैसे ही इनकी पावर बढ़ जाती है, आप जाके उनको मर्ज करके वहाँ प्लेस कर दो। तो जैसे कि मैंने ये प्लेस कर दिया। अब पहले मैं आपको इन गार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। तो चलो गार्ड्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा पूरा किंगडम है, ये हमारा कास्टल है जिसको हम अपग्रेड कर लेते हैं। चलिए बैक, अब बैरक में चलते हैं। बैरक में हमें हमारे गार्ड्स मिलेंगे। तो सबसे पहली गार्ड है हमारा जिसका नाम है आर्चर, ये सबसे फर्स्ट। सेकंड है जो पहन रखा है रेड कलर का ड्रेस, उसको भी अपग्रेड कर लेते हैं। अपग्रेड कर लिया, इसका नाम है फ्लेम मैच। सबसे पहला था आर्चर, सेकंड है फ्लेम मैच, अब थर्ड है आइस विजार्ड। ये ब्लू कलर की आइस विजार्ड है, इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं ताकि इसकी पावर बढ़ जाए। और लास्ट ग्रीन कलर का है, इसका नाम है गॉब्लिन। चलो गॉब्लिन भाई साहब को भी अपग्रेड कर लेते हैं, हमारे पास इनकी पावर भी है तो इसको अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने के लिए तो चाहिए कॉइन और इनकी पावर। चलिए अपग्रेड कर लिया हमने, बैक चलते हैं। इन सभी को अपग्रेड कर लिया, एक बार फिर से देख लीजिए आप। ये है आर्चर फर्स्ट, सेकंड है फ्लेम मेज, थर्ड है आइस विजार्ड, और फोर्थ है गॉब्लिन। ये तो जैसा ही आपको दिख रहा है आर्चर, इसके पास तीर कमान है, ये तीर कमान से अटैक करता है। फ्लेम में जो आग का गोला फेंकता है, आइस विजार्ड आइस बॉल बर्फ़ की बॉल फेंकती है, और गॉब्लिन केमिकल की बॉल फेंकता है। तो चलो चलते हैं और अटैक करते हैं। तो चलो अटैक करते हैं, गार्ड्स को प्लेस करते हैं, या ऑटो मर्जिंग तो अपने आप होगी। चलो तो ये 30 को 30 आइस विजार्ड से मर्ज कर दिया, 31 से 32 कर दिया। गॉब्लिन 31 है, सॉरी फ्लेम मेज है, इसको भी कर दिया। ये बाकी की मर्जिंग इस एरिया में जहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पर तो मर्जिंग ऑटोमेटिक होती है, लेकिन जहाँ हमने इनको पोस्ट किया हुआ है इनके टावर पे, वहाँ पर मर्जिंग हमको खुद करनी होती है ले जाकर। तो एनिमीज आ रहे हैं बहुत सारे और इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इन एनिमीज़ को हमारे किंगडम तक नहीं पहुँचने देना, अगर ये किंगडम तक पहुँच गए तो हम हार जाएंगे। इन गार्ड्स के अलावा दो गार्ड्स और भी हैं हमारे पास, जो हीरो है। तो चलिए करते हैं, ओके हम जीत गए। नेक्स्ट हमारा लेवल आएगा सबसे हार्ड, जिसको बॉस लेवल भी कह सकते हैं। चलिए मर्जिंग तो हो गई, अब और चलते हैं। आइस विजार्ड की होगी, गॉब्लिन कितना, गॉब्लिन की मर्जिंग भी करते हैं। चलिए गॉब्लिन की मर्जिंग कर ली, अब गॉब्लिन 33 हो गया, इसकी पावर 33 हो गई, आइस विजार्ड की भी 33 है। आर्चर देखते हैं, आर्चर 31 से 32 हो गया, 32 से 33 हो गया। चलिए जितने हमारे एनिमीज़ को हमारे गार्ड क्लियर कर रहे हैं, इनको फिनिश कर रहे हैं अपनी अपनी पावर से। अब आइस मेज
भी 33 हो गए, सॉरी फ्लेम मेज भी 33 हो गए, अब आया है मॉन्स्टर। ये बॉस लेवल इसीलिए क्योंकि इसमें फाइनल मॉन्स्टर आता है। चलो 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 प्लेस करते हैं, यहाँ पर प्लेस कर दिया हमने आइस विज़ार्ड को। चलिए जनरेट करते हैं वापस। अब यहाँ पर ही हम लेफ़्ट कॉर्नर में इस पर क्लिक करेंगे ऑटो मर्ज पे। इसमें एक और एडवांस मर्ज, इसको देख के करते हैं क्या चीज़ होता है एडवांस मर्ज। ओहो, एडवांस मर्ज के लिए तो हमें ख़रीदना पड़ेगा। चलिए एडवांस मर्ज तो परचेज करना है तो हम नहीं करेंगे, हम यहीं रखते हैं। अब इसी के ऊपर जो मर्जिंग है, ऑटो मर्जिंग के ऊपर दो एरो साइन दिख रहे हैं आपको एक ही साइड में, वो स्पीड अप करते हैं। तो चलिए देखिए स्पीड अप करते हैं। वाह, तो अब क्या हुआ, स्पीड तेज हो गई सभी की, दोनों की, एनिमीज़ की भी और हमारे जो गार्ड्स हैं इनकी भी। चलिए तो ऑटो मर्जिंग चालू रखते हैं क्योंकि आइस विज़ार्ड को हमें पावरफुल करना है। फ्लेम मेज भी और दूसरा करेंगे हम। मुझे फ्लेम मेज बहुत अच्छा लगता है छुटकू सा। चलिए इसको चेंज करते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसी को ही हम प्लेस करेंगे। चलिए तो ये ख़त्म कर रहे हैं। एनिमीज भी जल्दी आ रहे हैं और हमारे गार्ड्स भी उनको जल्दी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओ चलो आज मिस तो हो गया। चलिए चलिए चलिए, एनिमीज को ख़त्म भी करना है, इनको अपग्रेड भी करना है। अब नहीं हो पा रहा क्योंकि फुल हो गया हमारा ट्रेनिंग कैंप, फुल हो गया। चलो आइस मेज को हम रिप्लेस करते हैं 32 से, 29 था तो 32 से रिप्लेस कर दिया। फ्लेम मेज को भी रिप्लेस करते हैं, आर्चर को भेजते हैं ट्रेनिंग कैंप में। ओह मॉन्स्टर कमिंग, मॉन्स्टर आ गया। चलो बीच में हम देखते हैं हमको बहुत सारे रिवार्ड्स भी मिले तो वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ज़्यादा मैसेज में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, क्लेम करते हैं। ओके क्लेम कर लिया, देन हमको मिला ट्रेजर, उसको भी क्लेम कर लिया। फिर रिकमेंडेशन में जाते हैं, यहाँ पर भी हमको मिला है, ये क्लेम कर लिया। करे 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 डिस्ट्रॉय करते हैं। अब देखिए आप राइट टॉप कॉर्नर में हॉर्न है, उस पर भी हमको रिवार्ड्स मिला है तो वहाँ पर भी कलेक्ट करते हैं हम रिवार्ड्स, क्लेम कर लिए। डे 4 के रिवार्ड्स ये भी क्लेम कर लिया हमने। नेक्स्ट यहाँ से भी क्लेम कर लिया, मतलब सारे रिवार्ड्स हमने क्लेम कर लिए। अब चलिए मैप में जाते हैं, मैप में भी रिवार्ड मिला, वो क्लेम कर लिया हमने। अब फिर हमें और बहुत सारे एनिमीज़ को टारगेट करने का मिल गया, इनको डिस्ट्रॉय करना। तो चलिए अपने डिपार्ट करते हैं अपने हीरोज़ को। सबसे पहले ट्रेजर कलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिपार्ट कर दिया। देन एक और, हम मेरे पास दो ही हीरो है तो दो ही जगह भेज सकते हैं उनको अटैक, इसको भी डिपार्ट कर दिया मैंने। चलो ये कंप्लीट हुआ। देन हम जाते हैं नीचे, देखिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में है कास्टल का, तो कास्टल में जाते हैं, कास्टल को अपग्रेड कर लिया। बहुत ही अच्छा गेम है, खेलिएगा ज़रूर। अब आइस विज़ार्ड अपग्रेडेशन आया हुआ है तो इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं आइस विज़ार्ड को। कॉइन हमारे पास बहुत है क्योंकि हमें बहुत सारे क्लेम मिले हैं तो पैसा बहुत मिला है, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। चलिए इनको भी अपग्रेड कर लिया हमने। अकेडमी में जाते हैं, अकेडमी में मैं किसी को अपग्रेड नहीं करूँगा क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है ज़्यादा। चलिए नहीं कर दी यहाँ पर। फिर थोड़ा सा क्लेम मिला है, वो कलेक्ट कर लेते हैं। क्लेम कलेक्ट करने पड़ेंगे तभी हमें कॉइन्स मिलेंगे तो हम ट्रूप्स बना सकते हैं। यहाँ लाइट अप कर देते हैं, वापस हमारे जो हीरोज़ हैं इनको भेजते हैं हम। डिपार्ट कर दिया हीरो को, क्लेम कलेक्ट करने पड़ेंगे हमें, फ्री रिवार्ड्स नहीं चाहिए। क्लेम कलेक्ट करेंगे तभी हमें कॉइंस मिलेंगे बहुत सारे, और कॉइंस मिलेंगे तो हमारी जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए अब अटैक सेक्शन में चलते हैं। चलो तो करते हैं अटैक, मज़ेदार गेम है, आप भी खेलना। फिर देखिए बॉटम में हमें फिर रिवार्ड्स मिले हैं, चलिए इनको बाद में कलेक्ट करेंगे। ये हमें एक अर्थ जैसा साइन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके देखते हैं क्या है। ओके वो मैप है, वही मैप है जो हम यहाँ से मैप से जा रहे हैं। चलिए मर्जिंग करते हैं, गॉब्लिन को 33 पे पहुँचाते हैं। वाह, अपग्रेड करते ही हम 33 से 34 पे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं, ये गॉब्लिन 33 है, इसको मर्ज कर दिया, इससे 34 हो गया। अब हमारी आइस विज़ार्ड को भी 33 करना है और फ्लेम मेज को भी, आर्चर को भी कर लेते हैं। चलिए आइस विज़ार्ड को भी 34 कर दिया मर्ज करके। अब गॉब्लिन भाई साहब को करते हैं, गॉब्लिन नहीं, गॉब्लिन हो गया। अब मेरे को ये जो चुटकू है वो गॉब्लिन ही दिखते हैं जबकि ये है फ्लेम मेज। चलिए फ्लेम मेज को भी मर्ज कर दिया हमने, इनको भी 34 बना दिया। अब कौन बचा है, एक तो आर्चर, वापस आइस विज़ार्ड, फ्लेम मेज।
क्योंकि ये अगर ऑटो मर्ज हम ऑन नहीं करें तो फिर इनकी मर्जिंग हमें करनी पड़ती है, इसलिए मैंने ऑटो मर्ज कर दिया ताकि मुझे सिर्फ इनको प्लेस करना है यहाँ पर और ये मर्जिंग इनकी ऑटोमेटिक होगी। मज़ेदार है, चलिए मर्ज कर दिया। नेक्स्ट है 32, मर्ज किया, 33 किया, ओह नो, अब हमारे जो प्लेसमेंट्स है वो फुल हो गई है। अब यहाँ पर पहले मर्जिंग करनी पड़ेगी, देन कुछ हो सकता है। ओह ये 34 है ऑलरेडी आर्चर, तो प्लेस कर दिया हमने। यस समझित गए। और ये जो डायमंड्स हैं हमारे पास, ये देखिए राइट टॉप कॉर्नर में एक हट बनी हुई है, उसमें मेरे पास है डायमंड्स 1200 डायमंड्स, इनमें से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो चलो अब इनको डिस्ट्रॉय करके और एक बार हम जाएंगे हमारे कास्टल की ओर, क्योंकि वहाँ पर भी हमें कुछ अपग्रेडेशन मिल रही है। नो 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 नो, नहीं जल्दी से डिलीट करो इसको, सॉरी डिस्ट्रॉय करो दोबारा से। यस जीत गए हम। नेक्स्ट और आ रहे हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स, तो चलिए इनको ख़त्म करते हैं। किस किस को ख़त्म करिए, मॉन्स्टर तो आते रहेंगे, हमें ख़त्म करते रहना है उनको। थर्टी टू, थर्टी वन, थर्टी थ्री, चलो जीत रहे हैं हम। इसमें सब पे ध्यान रखना है कि अटैक तो हमें करना नहीं, अटैक तो हमारे गार्ड अपने आप कर रहे हैं, हमें तो इनको गार्ड को मर्ज करके इनकी पावर को इंक्रीज करना है। चलिए करते हैं ट्रिप्स को। चलिए अब जो फ्लेम मेज है उनको 34 कर दिया हमने। अभी 34 ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अब मर्जिंग नहीं होगी आगे, जब तक कि हम कास्टल को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे। अब आ रहा ये मॉन्स्टर है, इसने हमको दिए हैं बहुत सारे डायमंड्स, रिवार्ड में 20 डायमंड्स दिए, तो क्लेम कर लेते हैं। अब देखते हैं इस मॉन्स्टर को ये ख़त्म कर पाएंगे या नहीं, होप सो इसको कर दे, क्योंकि ये रास्ते से नहीं आ रहा, ये तो उटपटांग तरीके से कहीं से भी आ रहा। ओहो ये क्या है, ये मुझे एक भेड़ लग रही है, सिंगो वाला मॉन्स्टर। और जल्दी 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 ख़त्म करो नहीं तो ये हमें हरा देगा। देखते हैं ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। यस कर दिया, हम जीत गए, वेरी वेल डन माई गार्ड्स। चलिए पहले अपग्रेड कर लेते हैं कास्टल ताकि हमारी मर्जिंग और अच्छे से हो जाए। कर लिया हमने अपग्रेड ताकि मर्ज हो जाए। अब देखिए वो जो 34 ग्रीन थे वो हट गए हैं, इसका मतलब होता है कि अब हम और मर्जिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम मर्ज नहीं कर पाते। तो चले और करेंगे मर्ज। 34 है आइस विज़ार्ड, इसको 35 कर देते हैं, अभी भी मर्जिंग हो सकती है। फ्लेम मेज भी है 34, इसको भी मर्ज कर दिया हमने। जितने ही अपना काम कर रहे हैं ये उड़ने वाले, यहाँ पर ये स्पीड बूस्टर आया है, ये ऐसा लग रहा है जैसे लुटेरे हैं, लुटेरे आ रहे हैं, इनको डिस्ट्रॉय करना है। तो चलिए मेरे गार्ड करते रहेंगे जितने हम मर्जिंग की प्रोसेस करते हैं। इसको रिप्लेस कर दिया 35 से, ये आर्चर को भी 35 कर देती हूँ मैं, इसको भी रिप्लेस। अब देखिए 36 आते ही ग्रीन हो गया, इसका मतलब अब आगे की मर्जिंग नहीं होगी जब तक ये हम कास्टल अपग्रेड नहीं करेंगे। अब हमारे कॉइन्स भी ख़त्म होते जा रहे हैं, कोई नहीं कॉइन्स तो कलेक्ट कर लेंगे, हमें इतने रिवार्ड्स मिलेंगे। चलिए ये फ्लेम में इसको करते हैं अपग्रेड, इसको 36 कर दिया। यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, किसी किसी को प्लेस करना पड़ेगा नहीं तो ये मॉन्स्टर वहाँ पहुँच जाएगा हमारे कास्टल तक और फिर हमको हरा देगा। चलो आर्चर भी कर देते हैं, आर्चर भी 36 हो गया। फ्लेम मेज, सॉरी आइस विज़ार्ड को करना है। आइस विज़ार्ड कितना बचा, आइस विज़ार्ड और गॉब्लिन बचा एक। चलिए करते हैं इसको, अब आइस विज़ार्ड को कर लेते हैं 36। अब कौन बचा, एक गॉब्लिन और एक आइस विज़ार्ड, ये दोनों बच्चे हैं, इनको करते हैं 36। ओह नो, अब तो ख़त्म हो गया हमारे पास। चलिए ओर ये पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा, ये ओल नो, हार गए हम। ओह नो, हरा दिया। चलो वापस से शुरू हो जाता है, एक बार जब आप डिफ़ीट हो जाते हो तो वही लेवल दोबारा से शुरू होता है बैक जाकर। तो चलिए देखते हैं दोबारा हम जीतेंगे या हारेंगे। थर्टी फोर से 35 करते हैं, एक को किसी को हमको एक, ये जो ट्रेनिंग कैंप के साइड में एक आपको फ्री स्पेस दिख रही है बॉल से दिख रही है, वो होता है सेल, हम इनको सेल भी कर सकते हैं। वाह जीत गए,
ये जो जब हमारे ये ट्रेनिंग कैंप फुल हो जाता है, हमें रिप्लेसमेंट मर्जिंग नहीं होती है, तो किसी एक को आप सेल कर सकते हो, तो करते हैं, चलो गॉब्लिन को कर देते हैं, हम देखते हैं होता है या नहीं होता मर्जिंग। चलो 35 हो गया, गॉब्लिन को अपग्रेड कर दिया, 36 कर दिया, 22,000 बची है हमारी, देखते हैं 22,000 को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी करते हैं, 22,000 को अपग्रेड करते हैं। यस लेवल जीत गए, बॉस लेवल देखिए इसके बाद आएगा शायद बॉस लेवल, ये जो आपको डेंजर का साइन दिख रहा है ना ऊपर टॉप ऑफ द स्क्रीन, ये बॉस लेवल है, यहाँ पर आता है मॉन्स्टर, इस लेवल में मॉन्स्टर आता है। इतने में हम रिवार्ड्स भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्लेम कर लिया हमने रिवार्ड, प्राइस तो मिलना चाहिए, यहाँ से भी हम कर लेते हैं, हमारा ट्रिप पहुँच गया। अब चलिए दूसरे ट्रिप को डिपार्ट करते हैं, एक बार और होगा, यहाँ पर भी डिपार्ट कर देते हैं ट्रिप को, सोल्जर है हमारे पास, दो सोल्जर्स हैं तो दो जगह इनको डिपार्ट कर सकते हैं। और मॉन्स्टर लेवल क्लियर, तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गेम के साथ, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।